हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुजाता मेश्राम ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? हम लोग सब ठीक ही है। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है ये। हम लोग उठ चुके हैं, फ्रेश हो चुके थे और अभी हम लोग जाने वाले हैं नदी पर। यहाँ तेजम खड़ा है। बच्चे लोग पता नहीं क्यों नदी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है और मैं भी जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए मिलते हैं नदी में जाकर, देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। धूप, सुबह के 8 ही बजे हैं लेकिन धूप बहुत लग रही है। तेजम गया नहीं था, वो यहाँ सोच रहा था इन सबको देखकर मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। बहुत देर वो कन्विंस होने में ही लग गया कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। फिर धीरे धीरे वो तैयार हो गया। उसको जाने में थोड़ा डर लग रहा था लेकिन बाद में भाभी का भाई उसको भी लेकर चले गया। और यहाँ सफल थोड़ा छोटा है इसीलिए वो हमें उसके साथ ही था और उसी को देख रहा था। मैंने मना किया था कि उसका हाथ ना छोड़े या उसको अकेला ना छोड़े, क्योंकि पहली बार ही वो नदी में गया था सफल, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन बाद में वो बेचारा भाभी का भाई यहाँ तेजम को हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है। तेजम ने टी शर्ट भी नहीं निकाली थी, उसको बहुत शर्मीला है तो उसको बहुत ऑकवर्ड फील हो जाता है। बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया, उनके लिए तो ये सब फर्स्ट टाइम ही था। कभी वो कहीं ऐसे गांव नहीं गए और नदी में ऐसे गए नहीं हैं, उनके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये लोग धीरे धीरे थोड़ा आगे जा रहे हैं जहाँ पानी थोड़ा कम है। नदी में पता नहीं चलता है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ पानी है, लेकिन ये लोग वहाँ के रहने वाले तो इनको पता होता है कि पानी कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा। देखिए जैसे आगे आगे बढ़ता जा रहा है पानी कम होता जा रहा है, तो उनको थोड़े से ऐसे कम पानी में लेकर जा रहे हैं ताकि वो थोड़ा और इन्जॉय कर सके। और यहाँ धूप इतनी लग रही थी मुझे, मैं यहाँ वीडियो लेने में लगी थी, बहुत धूप लग रही थी। मैंने ये स्टेडियम का चश्मा भी पहन लिया था, धूप लग रही थी। फिर से ये अपनी पुरानी जगह पर ही वापस आ गए और बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। मैं उनको बार बार आवाज़ दे रही थी लेकिन वो बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे। और आप देख सकते थे पीछे, पहले भाभी जाने को तैयार ही नहीं थी लेकिन फिर बाद में भाभी भी चले गई। उसको भी बहुत मज़ा आता है, उसको तो तैरना भी आता है, भाई को भी तैरना आता है, तो उसका मन नहीं था लेकिन वो चले गई। और मैं यहाँ बाहर ही बैठकर एंजॉय कर रही थी, देख रही थी। फिर भाभी बाहर आ गई और वो गीले कपड़े में ही थी और मैं एक आंटी के साथ बैठी थी। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। सफल तेजम ने कपड़े चेंज कर लिए थे वहीं पर और घर आकर ये लोग पैरोट के साथ खेलने लग गए।
बोला लाला। और ये पैरोट इतना अच्छा है कि सब बातें करता है, नाम लेता है, मम्मी मम्मी बोलता है, पापा बोलता है, जो बोल। भाभी क्या है, कुत्ता भी है और बाहर की धूप देखिए, लेकिन बाहर बैठो तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ नदी से आकर सब थक गए थे, फिर शाम को हम पानी पूरी खाने चले गए, जहाँ सफल और तेजम दोनों ने बैट लगाई थी कि कौन ज़्यादा खाता है। दोनों में कॉम्पिटिशन था पानी पूरी खाने का। खाकर आने के बाद हम यहाँ थोड़ा बैठ गए थे, ये हाईवे था और यहाँ बैठकर इतना अच्छा लग रहा था और हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी। सफल को देखिए कार्टून रात हो चुकी थी, हम घर आ गए। मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं है, फिर हम यहाँ वॉकिंग को चले गए तो एक कुत्ता देखिए किस पोजीशन में सोया हुआ था। और यहाँ हो गई है फिर से नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और बहुत फ्रेश लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह की जो ताज़ी हवा होती है वो सिर्फ गांव में ही मिलती है। हमारे यहाँ शहर में तो सुबह उठते ही गाड़ियों की आवाज़, यहाँ इतना फ्रेश लग रहा था। यहाँ मैं बैठी हुई थी और यहाँ भाभी का भाई पैरट को नहला रहा है, उसको साफ कर रहा है, और मम्मी कपड़े धो रही है। दोपहर में हम लोग लंच करके हम लोग निकल गए, क्योंकि भाई को काम था तो हम ज़्यादा दिन रुके नहीं, बस एक दिन रुके और निकल गए थे। और इतना थकावट, खाना खाकर हम तुरंत निकले थे, इतनी नींद आ रही थी और इतना थकावट हो गई थी कि सफल तो वैसे भी सो ही जाता है, सब सो ही गए थे। हम तीनों आप देख सकते हैं हम गाड़ी में पीछे सो गए थे। थकावट ही ऐसी हो रही थी और खाना खाने के बाद तो नींद आती, लेकिन वैसे भी ट्रैवलिंग में थोड़ी बहुत तो नींद आ ही जाती है। अभी बस हम घर पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ा देर हम लोग रुक गए थे रास्ते में 5-10 मिनट, क्योंकि कंटिन्यू चलाने जाता और बाहर जाते जाते कारंजा लगता है, और वहाँ की चाय तो इतनी फेमस होती है, इसीलिए भाई वहाँ की चाय लेकर आए। और वहाँ की चाय 1 से 2 कप हम आसानी से पी सकते हैं। हमने चाय पी ली और हम निकल गए। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।